हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। एक प्याज काट लिया है, उसकी ऐसी पत्तियां निकाल ली हैं, और एक मैंने शिमला मिर्च काट लिया है, ऐसे चौकोर चौकोर से ऐसे पीसेस बना लिए हैं। रोस्ट करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। मैं घी में बना रही हूँ सब्जी को आज। तो आप चाहे बटर में बनाओ चाहे ऑयल में बनाओ, तो जो ये मैंने शिमला मिर्च और ये प्याज काट लिया है, इसको इसी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। बस इसको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। ये शिमला मिर्च और प्याज हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। आप चाहिए तो बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हो, मगर ये थोड़ा सा ऑयल या घी में थोड़ा रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा सब्जी का। अभी इसी में 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। इसी में 5-7 काजू रोस्ट कर लेती हूँ। इसको भी हल्का सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा हमें ब्राउन या लाल नहीं करना है। अभी इसी घी में मैं 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा को अच्छे से चिटकने देती हूँ। मैंने थोड़ा सा अदरक काट लिया है और लहसुन काटा है, और 1 मिर्ची में ऐसे 2 पीस कर दिए, इसको भी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने एक प्याज लेके चॉपर में चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है, इसको डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ हल्का सा। एक टमाटर लेके मैं चॉपर में चॉप कर लेती, ये भी बिल्कुल बारीक हो गया है। अपने सब्जी के हिसाब से मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से टमाटर हमारा फटाफट गल जाएगा। तो ये देखिए, इसको भी डाल के मैं चला दे रही हूँ। और देखिए, नमक डालते ही टमाटर में पानी छोड़ दिया और ये गलना स्टार्ट हो गया है। देखिए, टमाटर हमारा गल गया है। अभी इसी में मैं बाकी के मसाले मिक्स कर लेती हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दी। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा। 1/4 टीस्पून से भी कम है लाल कुटी मिर्च डाल रही हूँ। इन सब मसालों को साथ में ही मिक्स कर देती हूँ, अच्छे से पका लेती हूँ। देखिए, इसमें सभी कुछ एकदम अच्छे से मिल गया है, मिक्स हो गया है। इसको मैं ऐसे साइड कर देती हूँ। मेरे पास 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई है, जो घर का दूध होता है उसको उबाल के जो मलाई निकलती है वही मलाई है, इसको मैं डाल देती हूँ। ये मलाई को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ मसालों में, और इसको ऐसे पकने देती हूँ। आप मलाई की जिन्हें चाहें तो दही भी डाल सकते हो, दही को लेके अच्छे तरीके से फेंट के उसको डाल सकते हो, लेकिन आज मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। ये दूध की मलाई या दही जो डाला जाता है, उससे सब्जी हमारी एकदम रिच दिखती है। देखिए, मसालों में हमारे साइड साइड से ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया, जो घी डाला है वो छोड़ रहा है। तो अभी हमारे मसाले बिल्कुल परफेक्टली पक गए हैं। तो ये रोस्ट कर लिया है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और ये काजू है, ये सब इसी में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इसको भी मसालों के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अभी से देखने में कितनी सुंदर लग रही है सब्जी, एकदम शानदार सब्जी बन के तैयार होगी। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। तो मसालों में ये प्याज और शिमला मिर्च जो है, सभी एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। सब्जी तो हमारी पक रही है। मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ले लिया है, इसको ऐसे रब करके इसको भी डाल देती हूँ साथ में। अभी मिक्स कर देती हूँ। सब्जियों में से हमारे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसको मैं एक बार फिर से मिक्स कर लेती हूँ। अगर सूखी सब्जी खानी है तो उसके लिए ये सूखी सब्जी हमारी बनके तैयार है। और मैं इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, बहुत हल्का, मतलब 3-4 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के भी मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जूसी वाली सब्जी नहीं बनेगी, ये जैसे रोटी पराठा नान से खाने के लिए ये सब्जी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से मिक्स कर दिया है, इसको ऐसे कवर कर देती हूँ और इसमें एक उबाल आने देती हूँ। ये चेक कर लेती हूँ। देखिए, देखने में लग रहा है सब्जी में उबाल आ गया है, और जो मैंने घी डाला है या तेल कह लीजिए, वो साइड साइड से देखिए सेपरेट हो रहा है। तो अभी मैं इसको चला लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बन के तैयार हुई है हमारी, ना ही ज़्यादा लिक्विड है, ना ही ज़्यादा सूखी है, बस इसी तरीके की हमें सब्जी चाहिए थी। इसको 1 मिनट में और पक जाने देती हूँ, ऐसे खुले में ही पका लेती हूँ। ये देखिए, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है। इसमें ज़्यादा कुछ सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती, हमारे घर में जो अवेलेबल है मसाले, हम वही मसाले डाल के और इसको बना लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी सब्जी हमारी ये बन गई है। जैसे ये छोटा वाला जो टमाटर होता है, इसके मैंने ये देखिए
दो पीस कर लिए हैं। तो ये टमाटर मैं इस तरीके से इसी पर रख देती हूँ, तो ये भी थोड़ा सा स्टीम हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। इस तरीके से रख देती हूँ और इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। 2 मिनट तक इसको मैं ऐसे पकने देती हूँ। ये चेक कर लेती हूँ टमाटर को भी। मैंने एक मिर्ची में ऐसे 2 टुकड़े कर दिए हैं, ये भी ऐसे डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है उसको डाल देती हूँ। ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। ब्रेड है, नान है, रोटी, पराठा, कुछ भी हो, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप लोग इसको खा सकते हो। ये हमारी शिमला मिर्च प्याज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।